वैसे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की भुजिया। ये देखिए, हमने एयर फ्रायर के अंदर, तो इसमें हम सॉल्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सा सॉल्ट एंड ऑयल ऑयल डाल रहे हैं और हम इसे मिक्स करेंगे। हाँ, इसके बाद पुट इन द एयर फ्रायर, एयर फ्रायर में हम डाल देंगे। एयर फ्रायर में हमने डाल दिया है इसे और हमने इसकी टाइमिंग सेट कर रहे हैं 375 पे रखा है, ठीक है। और अब हम इसे, जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको बताएंगे। ये हम थोड़ा सा इसको फ्लिप करेंगे ताकि जो नीचे से है वो भी सही हो जाए, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और इसको हमने इस टेम्परेचर पर सेट कर दिया। देखिए, 15 मिनट्स हमने पहले रखा था, 15 मिनट्स हम अब ये रखे हैं। इसके बाद ये 370 अकाउंट हाइट पे चला जाएगा। ये देखिए, हम दोबारा इसको 15 मिनट पर सेट कर दिया है 370 पर। हम लोग बर्ड्स को खाना डालते हैं, मेरे को खाना पकाते पकाते हम ये काम भी करते हैं। ये देखिए, अब दुआ करते हैं अल्लाह इनको खाए और हमारी दुआ करें। आमीन। गर्मी हो रही है यहाँ पे, अब यहाँ इस वक्त डैलस में बहुत ज़्यादा, टेक्सास में गर्मी है, 100 से ऊपर टेम्परेचर जाता है, बहुत धूप है बाहर। हम अंदर जा रहे हैं, हमने कहा ज़रा बर्ड्स को भी हम दाना डाल दें, ठीक है। चलिए, ये देखिए, इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो देखेंगे सर, इसकी स्मेल है जो इतनी आ रही है, खुशबू ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें फ्राई करने के बाद। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? ये देखिए, करेले में अब हमने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है। आप टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ी सी। वर्थ हल्दी, टर्मेरिक। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। प्याज हमने पहले से ब्राउन करके रखी हुई है, हमें मुश्किल नहीं होगी। इस वक्त हम डेलस में हैं और डेलस में इस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत गर्मी है। हमने इस पर से किया था कि जी जो बर्न हो गए थे ना, हमने निकाल लिए। एक तो ये बर्न हो गए थे, ऊपर से टेम्परेचर 102 है यहाँ पे, इट्स टू हॉट। ये देखिए, एयर फ्रायर में कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल, और हमने इसे निकाल लिया है। प्याज लाल जो हमने की है, और हम इसके साथ पकाना शुरू करेंगे। ये है हमारी करेले की भुजिया जो हम कर रहे थे, जो हमने एयर फ्रायर में वो की थी, करेला एयर फ्रायर में किया था, देखिए दाल मिर्च और नमक लगा के। और ये देखिए, हमारे पास प्याज पहले से 2 महीने थी, ये देखिए कितने से पहुँच जाएगा। वाह, हम इसे ढक देंगे, कब मिक्स करेंगे? बस मिक्स करेंगे। ये देखिए, हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर करेलों में। हमने पहले से ही रेड चिली पाउडर और सॉल्ट वगैरह है ना, और हल्दी, ये 3 चीज़ें लगा दी थी करेले में, ये एयर फ्रायर में डाल के। अच्छा देखिए, फ्लेम देखिए, ना बहुत तेज़ है ना बहुत हल्की, दरमियाने इस पर है ना। कंप्लीट, ये हमारी करेले की तो कंप्लीट हो चुकी है।
करेले की भुजिया, इसमें आप गार्निशिंग के लिए ऊपर से धनिया भी डाल सकते हैं, ग्रीन लीव्स और साथ आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। और ये हमारे करेले की भुजिया पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, आप इसे खाइएगा और कमेंट से बताइएगा आपको कैसे लगी ये झटपट भुजिया। और इसमें हम साइड में ग्रीन चिली रख देंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए, वेरी नाइस। अल्लाह हाफिज़।